हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम क्लास फोर्थ एनसीईआरटी के चैप्टर 9 और 10 को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका साइंस है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके यूपी टेट से भी इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जो आपका चैप्टर का नाम है, टाइटल है वो क्लॉथ्स वी वेयर, कपड़े जो हम पहनते हैं। सो हियर यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है जो कि आप यूनिफॉर्म को देख के पहचान सकते हो कि कौन है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, ये लॉयर का होता है जो वकील होते हैं, और ये डॉक्टर का होता है, और ये पुलिसमैन का होता है, ये डिलीवरी बॉय या पोस्टमैन कह सकते हैं, ठीक है। क्लॉथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड। जो कपड़े होते हैं हमारे क्या हैं, बेसिक नीड है। जिस तरीके से आपको भोजन करना होता है, उसी तरीके से क्या होता है, आपका जो कपड़ा है, कपड़े हैं, वो आपकी एक मूलभूत आवश्यकता होती है, आपकी ज़रूरत होती है। वी वेयर क्लॉथ्स दैट आर सूटेबल टू द वेदर, ओकेजन एंड फैशन। हम उस कपड़े को पहनते हैं जो कि सूटेबल होता है, यानी उस सीज़न में, उस कंडीशन में, वेदर कैसा है, मौसम कैसा है, कैसा ओकेजन है और कैसा फैशन है, यानी ट्रेंड में कैसा है। जैसे कि आप डॉक्टर हो तो डॉक्टर वाले कपड़े पहनते हो, कोई ओकेजन हो तो आप कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ अपने कॉलेज स्कूल में परफॉर्म कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हो। क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट। जो आपके कपड़े हैं उसको कैसे बचाता है, आपको हीट से बता दें, यानी सूर्य की गर्मी से, डस्ट से बचाता है, इंसेक्ट बाइट से बचाता है, जो कीड़े मकोड़े काट लेते हैं आपको, बारिश से भी बचाता है और कोल्ड से भी आपको कवर करता है। क्लॉथ्स मस्ट बी कंफर्टेबल। और जो भी आप कपड़े पहनते हो वो कंफर्टेबल होने, ऐसे नहीं हो कि आपकी बॉडी को वो नुकसान पहुँचाए, यानी आपको हार्म करे, तो कंफर्टेबल होने चाहिए। दे ऑल्सो मेक अस लुक स्मार्ट, स्टाइलिश एंड ब्यूटीफुल। जैसा आप कपड़ा पहनते हो, जिस तरीके से आपको वो स्टाइलिश बनाता है, आपको ब्यूटीफुल भी आप लगते हो उसको पहन के, तो वो अपना ड्रेसिंग सेंस होता है जिसके अकॉर्डिंग आप पहनते हो। लॉन्ग एगो, बहुत पहले, अर्ली मैन यानी जो लोग थे, डिड नॉट वेयर क्लॉथ्स, जो आदि मानव समझ लीजिए, अर्ली मैन का मतलब आदि मानव जो थे, वो आदिमानव क्या करते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, उनको कपड़े का पता ही नहीं था। दे यूज़ टू कवर देयर बॉडी विद द बार्क ऑफ ट्रीज, जो पेड़ की छाले होती हैं उसको अपने एज अ कपड़े की तरह यूज़ करते थे। लीव्स यानी पत्ते से ढकते थे, एंड स्किन ऑफ एनिमल्स, और क्या होता था, जानवरों के चमड़े यानी छाले को पहनते थे। दे स्टार्टेड वेयरिंग क्लॉथ्स ओनली व्हेन दे लर्न द आर्ट ऑफ स्टिचिंग। उन्होंने कपड़ा पहनना तब स्टार्ट किया जब उनको स्टिचिंग आ गई, यानी सिलाई करना आ गया, ठीक है। क्लॉथ्स एंड वेदर, कपड़े और मौसम। वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे एंड द सीज़न। अभी विंटर आ रहा है तो आप विंटर के कपड़े पहनोगे, विलन कपड़े पहनोगे, तो हम वेदर के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। इन समर यानी समर सीज़न में, समर सर्दियों के मौसम में हम क्या पहनते हैं, सॉरी, इन हम समर मतलब गर्मियों के सीज़न में हम क्या पहनते हैं, वी प्रेफर वेयरिंग कॉटन क्लॉथ्स। हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, और लाइनन क्लॉथ्स, जो लाइनन होता है ये फ्लैक्स जो प्लांट होता है उससे मिलता है, कॉटन प्लांट से कॉटन मिलता है, बिकॉज दे आर पोरस यानी उसमें छिद्र होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं, एंड एब्जॉर्ब स्वेट यानी जो आपके पसीने होते हैं उसको वो सोख लेते हैं। वी ऑल्सो प्रिफर वेयरिंग लाइट कलर्ड क्लॉथ्स एज दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड कीप अस कूल। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि धूप में ज़्यादा डार्क कपड़े पहन के मत जाओ, कलरफुल कपड़े नहीं, हम लाइट कलर यानी हल्के कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि जो सनलाइट है वो हमारे कपड़े एब्जॉर्ब ना करें, क्योंकि उसे रिफ्लेक्ट कर देंगे, वापस भेज देंगे। लेकिन अगर हम इसकी जगह ब्लैक कपड़ा पहन लेते हैं, ब्लैक क्लॉथ पहन लेते हैं, क्लॉथ्स पहन लेते हैं, तो वो ज़्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। इसलिए हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी कूल रहे। वी फील कम्फर्टेबल इन सच क्लॉथ्स। हम क्या होते हैं, कम्फर्टेबल महसूस करते हैं, अच्छा आरामदायक महसूस करते हैं इन कपड़ों में, ठीक है। कॉटन कीप्स द बॉडी कूल इन समर एंड वार्म इन विंटर बिकॉज इट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कॉटन के बारे में बताया है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है ये। कंडक्टर क्या होते हैं, जो जिसमें उष्मा आ सकती है। इन विंटर सीजन, अब हम सर्दियों की बात कर रहे हैं, अभी सर्दी चल ही रहा है,
वी लाइक टू वेयर क्लॉथ्स दैट आर मेड फ्रॉम उल, हम ऊन के कपड़े पहनते हैं, जैसे ऊन मोटे मोटे कपड़े होते हैं ऊन के बने। वुलन क्लॉथ्स डू नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू स्केप एंड द स्केप वार्म्थ टू आवर बॉडी, जो ऊन के कपड़े होते हैं हमारे बॉडी के गर्मी को बाहर नहीं निकालते और इसलिए हमें गर्मी महसूस होती है। वी प्रिफर वेयरिंग डार्क कलर्ड क्लॉथ्स इन विंटर एज दे एब्जॉर्ब मोर हीट, हम ठंड में क्या करते हैं डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर जैसे रेड कलर ब्लू कलर पहनते हैं ताकि वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को। नेक्स्ट है ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी आप जब कह सकते हैं जब बारिश का मौसम होता है तो क्या पहनते हैं, वी वेयर अ रेन कोट एंड गम बूट्स, जो हम जूते पहनते हैं बारिश वाले और रेन कोट पहनते हैं भीगने से बचने के लिए ताकि हम गीला ना हो, आवर सेल्फ फ्रॉम वेटिंग गेटिंग वेट, यानी गीला होना। रेन कोट्स आर मेड फ्रॉम वाटर प्रूफ मटीरियल्स एंड गम बूट्स आर मेड फ्रॉम रबर, रबर से बनाया जाता है गम बूट्स और वाटर प्रूफ मटीरियल से बनाया जाता है आपका रेन कोट। वी ऑल्सो यूज़ अम्ब्रेलाज इन द सीज़न ऑफ प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम रेन, हम बारिश के मौसम में छाते भी यूज़ करते हैं बारिश से बचने के लिए। ओके सो हियर इज़ अ क्वेश्चन, लेदर इज़ यूज फॉर मेकिंग जैकेट्स ग्लव्स ट्राउजर कैप्स एंड स्कर्ट्स, सो इट इज़ यूज फॉर मेकिंग क्लॉथिंग, लेदर के कपड़े भी हम पहनते हैं। इज लेदर अ क्लॉथ और इज़ इट अ फाइबर, फाइंड आउट वॉट इज़ इट एंड फ्रॉम वेयर वी गेट इट, तो आपको ये बताना है क्या ये फाइबर है या फिर ये कोई कपड़ा है, फाइंड आउट आपको बताना है। फिर हम बात करते हैं स्पेशल क्लॉथ की, हमने बात की जैसे ओकेजन्स पे पहनते हैं तो कुछ स्पेशल क्लॉथ्स होते हैं, सम पीपल वेयर स्पेशल क्लॉथ्स ऑन वर्क, जो काम करने जाते हैं वो लोग कपड़े पहनते हैं, जैसे ऑफिस जाते हैं लोग आपने देखा होगा। दीज स्पेशल क्लॉथ्स आर ऑफन कॉल्ड अ यूनिफॉर्म, इनको यूनिफॉर्म बोलते हैं, जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो आप पढ़ने जाते हो तो आप भी इस कलर यूनिफॉर्म पहन के जाते हो। द स्कूल यूनिफॉर्म शोज दैट यू स्टडी इन अ पर्टिकुलर स्कूल, और जो आपका स्कूल का यूनिफॉर्म है वो बताता है कि आप पर्टिकुलर किसी स्कूल में पढ़ रहे हो। डॉक्टर्स वेयर अ वाइट कोट एंड नर्सेस वेयर अ वाइट यूनिफॉर्म, डॉक्टर जो होते हैं वाइट कोट पहनते हैं और सोल्जर्स एंड पुलिसमैन वेयर स्पेशल यूनिफॉर्म मेड ऑफ टफ मटीरियल, टफ मटीरियल का मतलब हार्ड मटीरियल का बना होता है, जैसे अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग पहनते हैं। लॉयर्स वेयर अ ब्लैक कोट्स, जो ये लॉयर है ये ब्लैक कोट पहनते हैं, और मैकेनिक्स जो होते हैं रिपेयरिंग का काम करते हैं, जो मैकेनिक होते हैं वेयर ओवरऑल ओवर देयर क्लॉथ टू प्रोटेक्ट देयर ओन क्लॉथ फ्रॉम डर्ट एंड ग्रीस, आप जो मैकेनिक होते हैं जो जो व्हीकल्स बनाते हैं गाड़ी वगैरह बनाते हैं वो अपने कपड़े को गंदा ना करने के लिए कोई भी ऐसा ऊपर से कपड़े डाल लेते हैं ताकि जो ग्रीस है और गंदगी है उनके कपड़े में ना लगे। मटेरियल्स फॉर क्लॉथ्स, यानी जो कपड़े बनाए जाते हैं कहाँ से उसका मटेरियल मिलता है, सामान जो कहाँ से मिलता है। क्लॉथ्स कैन बी मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर, जैसे कि जो नेचर से हमें मिलता है एज इट इज़, जिसको मैन आदमी नहीं बनाते हैं मैन मेड नहीं होता, और सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड होता है। तो दो टाइप के हम मटेरियल यूज़ करते हैं, सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर क्या होता है, नेचुरल फाइबर कम फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, फाइबर क्या होता है एक धागे जैसी संरचना समझ लीजिए। कॉमन प्लांट्स फाइबर कॉटन के प्लांट से कॉटन मिलता है, जूट के प्लांट से जूट मिलता है, और लाइनन ये क्या है जूट, ये सब फाइबर हैं जो हमें नेचुरल नेचर से मिलते हैं। एंड कॉटन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन प्लांट, जो कॉटन का प्लांट है वो कॉटन से मिलता है, जूट जो हमें मिलता है वो जूट के प्लांट से मिलता है, और लाइनन हमें मिलता है फ्लैक्स प्लांट से, ये पूछा जा सकता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लांट दिया गया है, कॉटन का प्लांट है ये, जूट का प्लांट है और फ्लैक्स प्लांट है। एनिमल आर आल्सो सोर्स ऑफ फाइबर लाइक वूल सिल्क एंड फर, जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं फाइबर के सोर्स होते हैं, उनके भी बॉडी के जो बाल होते हैं हेयर होते हैं फर होते हैं उनको निकाला जाता है, जैसे कि वूल किससे बनता है सिप से बनता है, और इवन गोट से भी बनता है बकरियों से, जैसे कि पश्मीना बकरी के नाम का नाम सुना होगा आपने लद्दाख का। और सिल्क जो होता है ये हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, और एंड फर जो आपका होता है वो एनिमल से मिलता है। फर इज़ यूजली लेदर विथ हेयर, फर जो होता है वो लेदर भी होता है और बाल बाल जैसा होता है। इट इज़ यूज्ड इन क्लॉथिंग स्पेशली कोट्स
कोट्स बनाने में लेदर का यूज़ किया जाता है. सिल्क इज़ यूज टू मेक सिल्क क्लॉथ्स, साड़ी बनाने में सिल्क की. वी गेट सिल्क फ्रॉम कोकीन्स, जो ये कोकीन है ऑफ सिल्क वॉर्म. कोकीन ऑफ सिल्क वॉर्म का मतलब एक सिल्क वॉर्म है, उसके एक लाइफ साइकिल होता है. तो ये कोकीन क्या है, उसकी एक कवरिंग होती है जो प्यूपा जब फॉर्म बनता है, प्यूपा का लाइफ साइकिल पर, तो कवरिंग में रेसे जैसी संरचना होती है, इसको ही कोकीन कहा जाता है, जो कि सिल्क वॉर्म का ही फॉर्म है. एंड वूल फ्रॉम द फ्लीस ऑफ ऑफ सिल्क, यानी ये मतलब बाल, बाल की बात हो रही है. जो हेयर होते हैं, बॉडी हेयर, उससे हमें ऊन मिलता है. द स्किन ऑफ डेड एनिमल इज़ यूज टू मेक लेदर क्लॉथ सच एज जैकेट एंड कोट्स. जो डेड एनिमल होते हैं, जो मर जाते हैं, उनकी स्किन को लेदर बनाने में यूज़ किया जाता है. और लेदर का क्या यूज़ किया जाता है, उसका कपड़ा बनाया जाता है, कोट जैकेट बनाया जाता है. अ ग्रुप डिस्कशन कुड बी ऑर्गेनाइज ऑन हाउ नेचुरल फाइबर आर मोर कम्फर्टेबल क्लॉथिंग देन सिंथेटिक फाइबर. आपको डिस्कस करना है. यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जानिए, द सिल्क फॉर्म जो होता है, इसको हम बॉम्बिक्स मोराई, लैटिन फ्रॉम सिल्क फॉर्म, द मलबरी ट्री, मलबरी ट्री पे होते हैं, और इसको बॉम्बिक्स मोराई नाम जाना जाता है, इनका साइंटिफिक नेम है. तो जो हमें ये कोकीन मिलता है, ये लार्वा का ही फॉर्म होता है, उसके लाइफ साइकिल का. सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, ये मैन मेड फाइबर, यानी जो हम लोग बनाते हैं. सिंथेटिक फाइबर आर नॉट फॉर्म नेचुरली, ये नेचर में ऐसे नहीं मिलता है. दे आर मेड फ्रॉम केमिकल एंड क्रूड ऑयल, ये केमिकल्स और क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं, जैसे कि नायलॉन है, रेयन है, पॉलिस्टर है, ये पूछा जा सकता है. आर सिंथेटिक मटीरियल यूज फॉर मेकिंग क्लॉथ, ये सिंथेटिक मटीरियल है जो यूज़ होते हैं कपड़े बनाने के लिए. दे आर मोर ड्यूरेबल दैन नेचुरल फाइबर्स एंड दे आर स्ट्रेचबल, और बहुत चलते भी हैं ये, और बहुत स्ट्रेचबल होते हैं, मतलब खींच के फैला सकते हो. रिंकल फ्री होते हैं, सिकुड़ते नहीं हैं, एंड ड्राई इजीली, और जल्दी सूख जाते हैं. लाइक नेचुरल फाइबर दे डू नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, जल्दी वो एब्जॉर्ब नहीं सोखते जो नेचुरल वाले होते हैं. दे आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर्स, जो तो इनको क्या कहते हैं, मैन मेड फाइबर्स होते हैं, ठीक है. अब आता है केयरिंग फॉर क्लॉथ्स. अब क्लॉथ्स की केयरिंग कैसे की जाए. इफ़ वी वांट आवर क्लॉथ्स टू लास्ट लॉन्गर, हम चाहते हैं कि हमारे कपड़े बहुत दिन तक चले, वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम इन द फॉलोइंग वेज, हमें उसका ख्याल रखना होगा इन तरीकों से. यहाँ पे कुछ बताया गया किस तरीके से आप अपने कपड़े को रख सकते हो. क्लॉथ्स शुड बी वॉश्ड रेगुलरली एंड मेंटेन्ड वेल. क्लॉथ्स जो आपके कपड़े हैं, क्लॉथ्स को आप रेगुलरली वॉश करें जब पहने हो. उसके बाद क्या होता है, उसको अच्छे से फोल्ड करके रखते हैं. क्लॉथ्स शुड बी ड्राइड इन द सनलाइट, और जो आपके कपड़े हैं उसको धूप में सुखाना चाहिए. दिस हेल्प टू रिमूव डर्ट एंड जर्म्स, जो भी जर्म्स होते हैं, कीड़े कीटाणु होते हैं, वो भी मर जाते हैं. आफ्टर ड्राइंग क्लॉथ्स शुड बी आयरन्ड, जब कपड़े क्या होते हैं सूख जाते हैं, तो उसको आयरन करने की, अगर आयरन वाले कपड़े हैं तो उसको प्रेस करिए. प्रेस करने के बाद सिल्क एंड वुलन क्लॉथ शुड बी वॉश्ड इन माइल्ड डिटर्जेंट, जो हल्के होते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं होते, उस डिटर्जेंट से नहीं धुलना चाहिए, हल्के डिटर्जेंट से. दे कैन ऑल्सो बी ड्राई क्लीन, और ड्राई क्लीनिंग इन्वॉल्व द वॉशिंग ऑफ क्लॉथ विद पेट्रोल, जो ड्राई क्लीनिंग होती है वो इन्वॉल्व होती है, पेट्रोल के साथ धुला जाता है. डार्क कलर क्लॉथ शुड बी ड्राइड इन द शेडेड एरिया, जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं उनको ना धूप में ना सुखा के, क्योंकि धूप से उनका कलर क्या होता है, फेड हो जाता है, कलर उड़ जाता है. नेफ्थलीन बॉल्स आर यूज टू प्रिवेंट डैमेज टू क्लॉथ बाई इंसेक्ट. हाँ, ये नेफ्थलीन बॉल जो होते हैं, ये आपको मार्केट में मिलते हैं, बहुत सारे बॉल्स होते हैं जो आप अपने रूम में रखते हो, कपड़ों के बीच में रख देते हो, ताकि उन पर इंसेक्ट ना आए. यूज टू प्रिवेंट डैमेज टू क्लॉथ्स बाई इंसेक्ट. इफ दे आर नॉट स्टोर प्रॉपरली, इंसेक्ट सच एज अ सिल्वर फिश कैन डैमेज देम. इंसेक्ट आपके जो होते हैं डैमेज कर सकते हैं. तो आपका ये आपका नाइन्थ चैप्टर ख़त्म होता है. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू.